सिंह निलंबित कर दिए गए हैं। यूपी सरकार ने निलंबित किया है, भर्ती में विज्ञापन को लेकर निलंबित किया है। नियुक्ति विभाग ने आरोप पत्र भेजा है, ओबीसी आरक्षण का अनुपालन नहीं किया गया था। 1363 पदों की भर्ती में ओबीसी आरक्षण का अनुपालन नहीं हुआ, यानी ओबीसी को अलग से सीटें नहीं दी गई होंगी, इसलिए इन्हें निलंबित किया गया है। राजस्व परिषद से अटैच रहेंगी आईएएस अधिकारी शारदा सिंह, ये अब राजस्व परिषद के लिए काम करेंगी, पहले भी कर रही थी, अब अटैच रहेंगी उनके साथ, यानी कोई पोस्टिंग नहीं मिलेगी नहीं इन्हें। लखनऊ से बड़ी खबर है, अब बड़ी खबर क्या है वो भी आप समझिए। चकबंदी आयुक्त शारदा सिंह फिलहाल निलंबित कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें निलंबित किया है। निलंबित क्यों किया है वो भी समझिए, भर्ती में विज्ञापन को लेकर निलंबित किया गया है और विस्तृत जानकारी देंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह। बारी आपकी है, बोलिए। देखिए राहुल, चकबंदी विभाग में चपरासियों को प्रमोट करके बाबू बनाया गया था जी। अब ऐसे चपरासियों को प्रमोट कर दिया गया जिनको टाइपिंग नहीं आती थी, इसकी शिकायत हुई तो अपर चकबंदी आयुक्त सुरेश यादव निलंबित कर दिए गए थे और जांच मुख्यमंत्री कार्यालय से बिठाई गई थी। प्रभात कुमार जो एपीसी हैं, अब उनकी रिपोर्ट पर चकबंदी आयुक्त शारदा सिंह को भी निलंबित किया गया है और उसमें अपात्रों के चयन के साथ साथ आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है। शारदा सिंह एनएस रवि हैं, प्रमुख सचिव लेवल के अधिकारी हैं, सीनियर उनकी पत्नी है। अब ये अटैच रहेंगी राजस्व परिषद से, तो एक तरह से कहा जाए चकबंदी विभाग के जो भर्ती प्रमोशन मामला था उसमें बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है जी। मतलब ये आप कह रहे हैं ना कि जैसे कि जनरल ओबीसी एससी एसटी होता है उसमें ओबीसी से कोई पोस्ट ही नहीं निकाली, ये आप बता रहे हैं? जी बिल्कुल, जो आरक्षण के नियम है हाँ, उनका पालन नहीं किया गया प्रमोशन देने में, और जिन चपरासियों को बाबू पद पर प्रमोट किया गया उसमें बहुतों को टाइपिंग ही नहीं आती थी, तो अपात्रों को प्रमोट किया गया है, तो जिस पद के लिए प्रमोशन हुआ था उसमें टाइपिंग अनिवार्य था जी। तो ये सब धांधली की शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई थी और उत्पादन आयुक्त को इसकी जांच सौंपी गई थी प्रभात कुमार को। प्रभात कुमार वैसे बहुत सख्त अफसर माने जाते हैं, उन्हीं की रिपोर्ट पे चलिए अनुपालन न करने के लिए निकाल दिया गया, यानी आरक्षण का अनुपालन नहीं किया। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और ये जानकारी पूरे उत्तर प्रदेश को बताने के लिए। इटावा से खबर बड़ी है, सड़क हादसे में एक की मौत हुई है और ये एक की ही परिवार के तीन लोगों की मौत।